दलितों की हमेशा से आवाज उठाने वाले, दलितों की चिंता करने वाले दलित शोषण मुक्ति मंच के जो अध्यक्ष हैं आज हमारे बीच में, नतु प्रसाद जी, बड़े पैमाने पे दलितों की आवाज उठाते हैं और इतनी आवाज उठाते हैं कि हर समय इनका संघर्षशील जीवन है। नतुराम जी, आज जो इस तरीके पूरे भारत के अंदर तबाही हो रही है, वो हाहाकार मच रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? दरअसल जब से मोदी की सरकार को 4 वर्ष होने जा रहे हैं, धन्यवाद साथियों, इन 4 वर्षों में देश की आज़ादी के बाद में इतना बड़ा कभी उत्पीड़न 4 सालों के अंदर जितना हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जी, वो जनता की जो अदालत है उससे भी अपने आप को सुप्रीम मान रही है। हालांकि हमारे सामने व्यवहारिक यह है कि वास्तविकता यह है कि जिनको सोशल जिंदगी का सामाजिक जो उत्पीड़न होता है और जो उत्पीड़ित समाज है उसका ज्ञान भी नहीं हम लोगों, और उन्होंने एक तरफा ये जो डिसीजन जो दिया है कि इसका मिस यूज हो रहा है, कोई ऐसा कानून बता दें हिंदुस्तान के अंदर जिसका मिस यूज नहीं हो रहा। अखबार को तय करना है, ये रूलर जो है बाउंड टू रूल शासन पैदा करने के लिए हुए हैं, ये हमेशा ही दुरुपयोग इनके द्वारा ही होता चला आ रहा है। एक भी ऐसा मिसाल बता दे, हम बताते हैं कि किस कानून का इन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। इनको ये चाहिए कि संसद चल रही है और वास्तव में ये घड़ियाली आंसू ना आए, इसको वापस लें। और इसके अंदर जैसे साबानू वाले केस के अंदर हुआ और उसी तरीके से इसको पलटा जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया तो वो कोई तोपा नहीं जा सकता। हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो लाखों लोगों की जो अवमानना हो रही है, जो पीड़ित है, उनके अधिकारों के लिए हम जरूर लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए दलित शोषण मुक्ति मंच जो है इसके रिट पिटीशन भी सबमिट करने के लिए जा रहा है। आप 1989 के अंदर ये पास हुआ था, 2015 में इसका संशोधन हुआ, ये अभी पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ, इतने ही वो खत्म कर दिया गया। हाँ, यही सबसे बड़ी बात ये है कि इसे जो खत्म करने की जो धीरे 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 स्लोली स्लोली जो एक स्लो पॉइजन जो दिया जा रहा है, और ये आज यहीं तक सीमित नहीं है, ये आदिवासियों पर भी और माइनॉरिटीज पर भी ये अटैक होने जा रहा है।